ठंडिया लग रही है और अभी बारिश हुई थी, अभी बारिश हुई थी और अभी बहुत ठंडी हवा। मैं नहीं गिरती, यही गिरती है बेचारी। ये देखो हमारी सोसाइटी, वो देखो एक लड़की खड़ी हुई है बेचारी, देख रही है मुझे। सो अर्तिका अब इसको तोड़ रही है। मैंने कहा इसको तोड़ो इससे पहले कि मैं नीचे गई हूं, फिर आप लोग कैसे मुझे याद करोगे। मैं तोड़ती हूं यार, मैं तोड़ती हूं। तोड़ो तो तोड़ो एक्स की तरह, एक्स की तरह तोड़ो। एक्स है कौन बहन, इतनी इज्जत हो जाए तो दिखा। मैं तो दुश्मनों की तरह, हेटर्स की तरह, हेटर्स तुम लोगों का ये हाल होगा। जो मुझसे जलते हैं उनका ऐसा होगा। जलते रहो, जलते रहो, जलते रहो, जलते रहो। मैं क्या थोड़ी निकलने वाली। चलो मैं आ करती हूँ। हम छत पे बैठ के कचरा कर रहे हैं और कुछ नहीं, इधर मैं नाम लिखती हूँ। A for Atika, G for गजल, बना बना ले। ये तुमने मेरे नाम पे पत्थर फेंका, तोड़ी दिया हमने इसको। बेचारा देखो गाइस, दोबारा से बारिश शुरू हो गई, दोबारा से बारिश स्टार्ट हो गई। और मेरी अतिका शर्ट चेंज करके आई है ना अतिका, बारिश। और हमारी अतिका, सो फ्रेंड्स बहुत ज्यादा बारिश हो गई है, हमें सर्दी लगने लग गई है। जा आगे, जा। सो चलते हैं बाहर, जरा आपको लोगों को दिखाते हैं। बहुत ज्यादा बारिश इतनी हो रही है और मुझे लगता है बहुत ठंडी बर्फ बारिश हो रही है। गर्मियों में तो चलो लोग कहते हैं कि थोड़ी हल्की होती है, पर बहुत ज्यादा हो रही है, मतलब एक भी बूंद गिर रही है तो ऐसे बर्फ की तरह लग रही है। वो देखो यहाँ पे बारिश सही नजर आ रही थी कल। ये देखें कितनी ज्यादा बारिश हो रही है और मौसम बहुत ज्यादा अच्छा हो गया। हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कितना माशाल्लाह से अच्छा मौसम हो जाएगा, है ना। सो अल्लाह का शुक्र। सो ये इसने हिम्मत करके दोबारा से चली गई है। अब मैं आ जाती हूँ। कील कहाँ पे था, देखें ये कील लगा मेरे सोनू के पाँव में। पाँव सही है, वो देखो बारिश तो तेज होती जा रही है यार। देखो कितनी तेज बारिश हो रही है। बेचारी जा रही थी हिम्मत करके यार, उनकी तो हिम्मत। एक कदम तो आगे रख सकती हूँ। जाओ जाओ, वापस आओ। कौन हो तुम? बहुत तेज बारिश हो रही है फ्रेंड्स। आगे हम सोचे थे कि वाटरलैंड जाएं, बट ये तो यार हमने खुद ही मर्श कर दी।
चलो आ जाओ अंदर, अब शाबाश। सो फ्रेंड्स, अब इसको सर्दी लग रही है और ये बैठ के जरा चिप्स खा रही है। वहां से देखे हमारा पानी आया और सारी दीवार खराब हो गई, ये देख सकते हैं आप। सो इसलिए हमने वहाँ पे दुपट्टा ही रख दिया अपना और शीशा बंद कर दिया। और भी बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है बाहर, तो इसलिए लाइट भी चल गई है और भी थोड़ी देर में आ जाएगी। सो फ्रेंड्स, ये देखें, ये तो माशाल्लाह से बड़ा हो गया है 2-3 हफ्तों में। हाँ हाँ, चुप चुप, बेचारा को इतनी खुशी है, बेचारा फोन नहीं करने देता। हाँ जी, चुप चुप चुप। हाँ हाँ हाँ, चुप चुप, इधर आ, किधर चला गया यार तू। हाँ, वीडियो बनाता था तेरी पहले भी, याद आया तुझे? देखो उसके कान भी खड़े हो गए अब तो माशाल्लाह से 1 महीने के अंदर। हाँ, अब खाना खाने गया। हाँ, फिर आ गया तू, कहता मेरी वीडियो बनाओ। हाँ, वीडियो बनाए तेरी, ऐसे बैठेगा स्टाइलिश। अच्छा अच्छा, नहीं बैठ, नहीं बैठ, अच्छा बैठ 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 बैठ, तेरी वीडियो बनाओ। वे टोमी, टोमी मेरा प्यारा टोमी, टोमी टोमी। हाँ, माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा प्यारा होता जा रहा है दिन ब दिन। तो ये अमरूद का पेड़ हमारा, पता नहीं कब अमरूद आएगा, बस पत्ते ही आई जा रहे हैं। तो यहाँ पे तो हमने मिर्ची टमाटर पता नहीं क्या क्या लगाया था, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं आया पता नहीं क्यों। बहरहाल, और ये देखो क्या कर रहे हैं टोमी, ओ टोमी टोमी, इधर आ जा, चला जा अंदर, चले चल, चला जा, आ जा। अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। सो आज हम जा रहे हैं घर का कुछ सामान लेने, हमारी गाड़ी यार ख़राब हो गई है बारिश की वजह से, सो उसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है? तो आज हम जा रहे हैं कुछ घर के सामान लेने, और जैसे कि आज वो फ्रेंडशिप डे भी है यार, आपको तो पता ही होगा। इस व्लॉग का बहुत से लोगों को इंतज़ार था कि आप लोग कैसे दोस्त बने, क्या हो, क्या रिलेशन है, क्यों साथ रहते हो, ये है वो है। तो आज के व्लॉग में आपको सब सवालों के जवाब मिलेंगे। और आज है हैप्पी फ्रेंडशिप डे, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। हमारी फ्रेंडशिप को ऑलमोस्ट 5-6 ईयर्स हो गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह से बच जाए। और हम केक कटिंग करते हैं, देन उसके बाद आपको सब बताते हैं, ठीक है? सो फ्रेंड्स, अंदर मैंने कुछ डेकोरेशन की थी, सो वो मैं आपको दिखाती हूँ। और अभी ये पट्टी बांध के अतिका को ले जाऊंगी अंदर। सारा कुछ तो पता है मुझे, क्या छुपाना मेरे दिल में। कुछ नहीं,
चलो आराम आराम से जाओ, आराम से जाओ जाओ, खोलो जी। थैंक यू सो मच मेरी जिंदगी में आने के लिए। ये गजल बनाया है मेरे लिए, सो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से। सो आप इसको स्टॉप करके देख सकते हैं किसने क्या क्या लिखा हुआ, ठीक है ना। सो ये केक, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। गजल ने पूरे घर कमरे का थीम बनाया है। और ये छोटी सी फूल, थैंक यू सो मच। सबसे पहले इतना प्यारा सरप्राइज और सब कुछ के लिए, बहुत ही अच्छी केक डेकोरेशन माशाल्लाह, इतनी मेहनत की। आप लोगों को ये क्लिप दिखाऊंगी, आप नाम से पढ़ सकते हैं इसको। सो इसको पढ़ के भी बाद में बताऊंगी, और इसके केक कटिंग के बाद फिर आप लोगों को हम अपनी सारी स्टोरी बताएंगे और हमने कितनी मुसीबतें की झेली और कितना कुछ हुआ, बहुत कुछ हुआ आप लोगों को बताएंगे आज हम। फाइनली हमने केक वगैरह हर चीज़ कटिंग वगैरह कर ली है, और उसके बाद आज का फ्रेंडशिप का डे, तो हमने कहा यार आप लोगों को बताना बंद है, क्योंकि मोस्टली हमारे कॉमर्स के अंदर सिर्फ एक यही बात होती है कि आप लोगों का क्या रिलेशन है, क्या हो, कज़न हो, सिस्टर हो, क्या हो बताओ, या दोस्त हो या दोस्ती कैसी हुई, क्या हुआ, ये वो। तो आज आप सबके सवालों का जवाब इस ब्लॉग में मिलेगा। अभी मजा आएगा ना ब्लॉग। तो हम ना ही कज़न से ना ही सिस्टर से नहीं, बाकी उनसे भी बढ़कर रिश्ता है हमारा, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। क्योंकि जब हमारी दोस्ती हुई थी 2018 में, तब तो दोस्त की तरह थे, पर अल्लाह का शुक्र है अब हमारी बॉन्डिंग इसकी फैमिली के साथ, मेरे साथ ऐसी हो गई हुई है कि हम एक फैमिली हैं। कभी किसी को ये शो ही नहीं कराते हम कि हम ये दोस्त हैं या ये है या वो है, सिर्फ अपने घर की तरह, मतलब अपनों की तरह रहते हैं, ऐसी कोई बात होती ही नहीं। सो अब आपको लोगों को ये बात कंफर्म हो गई है कि हम दोस्त हैं, कज़न नहीं है, बट अल्लाह का शुक्र है दोस्त ऐसे वाले हैं, भी बढ़कर हैं। दोस्त तो बहुत छोटा सा लफ्ज़ है, बाकी उससे बहुत ज़्यादा खून का रिलेशन भी इतना बड़ा नहीं होता जितना कि हमारा है। सो अल्लाह का शुक्र, अल्लाह पूरी तरह से बचाए, और आप ये बताएंगे अब आपको। और ऐसे दोस्त कभी किसी को मिलते भी नहीं है, बहुत मुश्किल, ये नहीं मुझे मिल सकती, मैं तो फिर भी मिल सकती, नहीं मिल सकती ना, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी बात ही आजकल कोई किसी का नहीं मुझे जितना पता है। यार आई प्राउड ऑफ यू, मेरे लिए अल्लाह की तरफ से गिफ्ट है ये, मेरे लिए भी गिफ्ट।
अच्छा लग रहा है, लग रहा है आपको। हाँ आप इसको पॉजिटिव साइड से सोचना, गलत साइड से मत, क्योंकि सोचना तो सोचेंगे, अच्छा सोचा जो अच्छे हमारे सपोर्टर्स हैं तो ऐसी कोई बात ना, मैं सोचेगा। और वो मैं लोग के अंदर पहले क्लियर कर चुकी हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, हम एक अच्छे दोस्त हैं, अच्छे अब हम कजन भी मानते हैं, सिस्टर भी मानते हैं, सब कुछ मानते हैं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आगे बता। तो हम मिले थे 2018 में, अतिका आई थी फर्स्ट टाइम हमारे घर, मेरी तब अतिका मेरी सिस्टर की दोस्त थी, तब वो सना खान की मैं दोस्त थी। तो ये उससे इसको मैं जानती भी नहीं थी, यकीन करें मैंने इसको जानती भी, एक बार देखा था वीडियो। और ये आई हमारे घर, फिर शायद आप लोग जो पुराने जाने वाले उनको पता होगा, फिर हमने एक सौ वीडियो शीडियो बनाई। तो उसके बाद एक वीक रही मैं वहाँ पे, मैं वापस आ गई, फिर हमारी आपस में थोड़ी बहुत बात होना स्टार्ट हो गई, फिर उसके बाद मैं दोबारा गई इससे मिलने के लिए, फिर दोबारा मुझसे मिलने आई। तो उसके बाद इसी तरह कहते हैं कंटिन्यू सफर स्टार्ट रहा, और अल्लाह का शुक्र है आज यहाँ तक है। फिर मैं आई मेरी फैमिली के साथ इधर लाहौर, शायद आपने देखा हो, और अपनी सिस्टर, तब हम व्लॉगिंग वगैरह नहीं करते थे, वीडियो वगैरह बनती थी टिकटॉक पे। और उसके बाद फिर सना खान आई, फिर आना जाना कब से स्टार्ट हो गया था, तब से हमारी माशाल्लाह से 5 से 6 साल होने को आ गए हैं, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह बिना से बचाए। तो ये है हमारी छोटी सी स्टोरी, अंदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटजी आई, बहुत चीज़ें आई, पर वो कहते हैं अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ सही हो गया, अल्लाह का शुक्र है। और इस दौरान काफ़ी लोगों के असर चेहरे बाहर आए कि कौन अपना है, कौन पराया है, या कोई कौन मुसीबत के टाइम साथ देता है या कौन नहीं। तो बहुत से लोग इस तरह के भी आए फ़ायदा उठाने वाले, और बहुत से कहते हैं अपने भी आए। तो अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह से अब बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। और इसी वजह से अब आप लोगों के साथ हम ये बात शेयर कर रहे हैं 5 से 6 सालों के बाद, क्योंकि अब अल्लाह का शुक्र है सब कुछ ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह से, और बस अल्लाह ने हमारा साथ दिया, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात अल्लाह ने हमारा साथ दिया। बहुत मुश्किलें आई थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सब कुछ ठीक हो गया, और हम सब खुश हैं, अल्लाह पाक का यही बहुत एहसान है कि हम सब खुश हमेशा रहेंगे इंशाल्लाह। तो आप लोगों को आज पता चल ही गया होगा, तो अब कोई और बात तो नहीं ना, अब दोबारा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों के लिए अब कोई और सवाल इस तरह का नहीं बचा होगा कि आप क्या लगते हो, क्या वो क्या नहीं। सो आप लोगों को इस व्लॉग के अंदर हर चीज़ पता चल तो गई है, और इस टाइम आप सोच रहे होंगे साथ ही ये वाला क्लिप, तो यार कल मोबाइल की मेमोरी फुल हो गई थी जिसके से कोई शूट नहीं कर सके, सो इसलिए बात अधूरी रह गई थी। तो मैंने कहा यार व्लॉग का एंड करना तो बनता है, तो मैंने कहा व्लॉग एंड करती हूँ, फिर उसके बाद व्लॉग एडिट करती हूँ। उसके अलावा इंशाल्लाह न्यू व्लॉग में मिलते हैं, और इस व्लॉग को ज़्यादा प्यार दें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। और कमेंट्स के अंदर मैंने काफ़ी अच्छे अच्छे आइडियाज़ देखे हैं, इंशाल्लाह मैं उस पर बनाऊँगी। आप बाकी सब भी मुझे बताएं कि हम किस टॉपिक पर बनाएं, और क्या बनाएं, और कैसे आपको व्लॉग चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में बताएं आप। ओके, अल्लाह हाफिज़।